शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ओ अच्छा, अब मुझसे चीजें छुपा रही है। ये आप तकिए के पीछे क्या छुपा रहे हैं? हाँ? अरे यार, देख लो तुम ही और डालो अपने हिसाब में। ये 50 के 5 पेन, 20 के कलर और ये 80 के फोल्डर, लिख लो अब। अच्छा, तो ये जो 25,000 का टैग है, ये किसके खाते में जोड़ूं? मैं जो बोलता हूँ वो तो तुम सुनती नहीं हो, बस इधर उधर ही तुम्हारा दिमाग रहता है। अब ये क्या है? ये कुछ नहीं है। ये दिखाओ मुझे। नहीं, ये अबे नहीं, अबे नहीं नहीं नहीं, अबे पचास हजार इतने का तो वो टीवी भी नहीं है जो मैं लेकर आया हूँ। खुद तो आपको हमेशा खुजली मची रहती है दूसरों की चीजों को देखने में, अभी मैं लाई हूँ तो भी मुझे इतना सुना रहे हैं। दीजिए दीजिए इधर दीजिए। अब ये तो आपको कल ही मिलेगा वैलेंटाइंस डे पर। अब मुझे कुछ किचन में काम है, मैं आती हूँ। तो बस मैं तुम्हारे चेहरे पे वो खुशी देखना चाहता हूँ जब ये तोहफा मैं तुम्हें दूंगा, हमारे पहले वैलेंटाइन डे का। वरुण जी, आप क्या दिन भर लैपटॉप पे ही बैठे रहेंगे? अरे बाहर देखिए मौसम कितना अच्छा है, ठंडा ठंडा सा हो रहा है, चलिए ना कहीं घूम कर आते हैं। स्वीटू, अब बाद में चलते हैं ना, अभी मुझे कुछ काम निपटाना है, वो निपटा के फिर आराम से चलेंगे, ठीक है? क्यों, हमारे लिए सौतन पैदा कर रहे हैं? बताइए अब बोलती क्यों बंद हो गई? क्या मतलब, किसकी बात कर रही हो तुम? उसी की बात कर रही हूँ जिसका नाम सुनते ना आपके पसीने छूट जाते हैं। अरे आपकी नौकरी की बात कर रहे हो और क्या? दिन भर कितना काम करते हैं आप, क्या फायदा इतना कमाने का जब प्यार के दो पल भी आप हमारे साथ ना बिता पाए? स्वीटू, तुम्हारी लाखों की ख्वाहिशों पे रोक ना लगे इसलिए तो इतनी मेहनत कर रहा हूँ, और फिर अब तुम्हारे लिए वो हीरो के कंगन भी तो लेके आने। आप बहुत अच्छे हैं वरुण जी। मुझे ना बहुत मजा आ रहा है। तुम्हें पता है, पता नहीं मैं कितने टाइम के बाद ऐसे बर्गर खा रही हूँ। आरती, मैं तेरे को बता रही हूँ, तू ना ये सब रोज रोज खा सकती है, वो भी बिना घर से पैसे लिए। बस एक बार ना तू भी सट्टा लगा के देख। पर इसमें करना क्या होता है? तू एक मिनट रुक, मैं ना तुझे अभी अपने आप से खेल के दिखाती हूँ। ये देख, ये खोला, अब इसमें गए और फिर अब मैं इसमें लगाऊंगी 2,000 रुपए, फिर ये गोल गोल घूमेगा,
और फिर अरे वाह, तुम तो 5,000 रुपए जीत गई, वो भी सिर्फ 2,000 रुपए लगा के। ये खेल तो बहुत आसान है। वैसे मेरे पास भी 2,000 रुपए हैं, आज ही मुझे मम्मी ने दिए हैं। तुम मेरे भी 2,000 रुपए लगाओ ना। आरती, ये तो बस मैंने तुझे दिखाया था कि कैसे खेलते, तू ना बड़ा सट्टा खेल, ज्यादा पैसे लगा, उसके बाद तुझे अपने घर से और अपनी मम्मी से पैसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर मैं इतने पैसे कहाँ से लेकर आऊंगी, और अगर मम्मी से मांगने गई तो वो तो मुझसे 100 बर्तन धुलवा देंगी। हाँ ना, अच्छा वो श्रद्धा को तो कुछ नहीं बोलती होंगी ना। एक काम क्यों नहीं करती, तू अपने भाई से पैसे क्यों नहीं मांगती, और वैसे भी वो तो आजकल बहुत अच्छा कमाता है ना। और वैसे भी इतना तो कमाता है वो, और सारा पैसा अपनी प्यारी बीवी पे तो नहीं लुटाता होगा ना, थोड़ा अपनी बहन पे तो लुटा ही सकता है ना। सिद्धू, आपने अभी के लिए कुछ खरीदा? हाँ, मैं ना उनके लिए सोने की चेन ली है, क्योंकि सोना गिफ्ट देने के लिए भी अच्छा है और आगे जाके उसके फायदे भी तो बहुत होते हैं ना घर में। क्या दीदू, गिफ्ट में भी मोल कर रहे हैं आप? हमने ना वरुण जी के लिए बहुत महंगी सी घड़ी ली है, दिखाएं आपको? हम दिखाते हैं। अरे कीर्ति, नाश्ता तो कर ले कीर्ति। वरुण जी हमारे लिए अंगूठी लेकर आए, ये तो अच्छी बात है ना। ये लो, तुम्हारे लिए नए कपड़े, और इस बार सही नाप का लेके आया हूँ। वरुण जी, आप कितना सोचते हैं हमारे बारे में, कितना ख्याल रखते हैं, पर हमें पता है कि ये आप हमें बहुत स्पेशल तरीके से देना चाहते थे, पर अच्छी जगह छुपाना चाहिए था ना। ये अंगूठी तुम्हें मिल गई? हाँ, अब आप कबर्ड में सामने रख के जाएंगे तो मिल ही जाएगी ना। हाँ, वो एक्चुअली मेरी गलती थी, मैंने ही गलत जगह पे रख के छोड़ दी। अब जब मिली गई है तो हम पहन के ही देख लेते हैं। उछल मत, तेरे लिए ऐसे उछलना ठीक नहीं है। डायमंड की अंगूठी, वरुण जी ये तो, थैंक यू वरुण जी, बहुत 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 सुंदर है, बहुत सुंदर है, थैंक यू। हम ट्राई करके देखते। ये छोटी साइज की है। आप फिर हमारा साइज भूल गए, गलत साइज ले आए। अरे हाँ, लगता है फिर से उन्होंने गलत नाप की अंगूठी दे दी, बल्कि इस बार तो मैंने उन्हें बिल्कुल सही नाप दिया था। पर वरुण जी, ये तो वही ज्वेलर है ना जिसने अभी आपको कंगन बना के दिया, उसे तो हमारा साइज पता है, वो गलती कैसे कर सकता है। हम ना अभी उससे बात करते हैं, अभी फोन लगाते हैं उसको। अरे नहीं नहीं आप, तुम रहने दो, मैं ही बात कर लूंगा उनसे, और वैसे भी मुझे तुम्हें ये वैलेंटाइन डे पे देनी थी। तुम टेंशन मत लो, मैं बात कर लूंगा उनसे, सही नाप की आ जाएगी। अच्छा ठीक है,
किस्मत से टकराती उलझी लकीरों को सुलझाती श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।